तो सनातन धर्म आज से नहीं, पहले से ही ये बिल्कुल नाजुक धर्म है। इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, ये तो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। ये थोड़ी भेजते थे वहाँ पर लड़ने के लिए कि ये किसी आदमी के शकल देख लें, किसी अछूत के आते हुए किसी विधवा महिला की शकल देख लें तो एकदम से अपवित्र हो जाते हैं, 10 बार इनको नहाना है। लगातार जो रंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चाइना और कोरोना दोनों ही अब जो है यहाँ पर हमारे देश में आ चुका है, क्या हिंदू सनातनियों की भावनाएं इतनी बार बार आहत क्यों हो जाती है? इतना कमजोर है क्या सनातन धर्म कि बार बार रंग से भी जो है आहत हो जा रहे हैं उनकी भावनाएं? देखिए, सनातन धर्म तो किसी के छूने से भी, अछूतों के छूने से भी वो भ्रष्ट हो जाता था। कोई रास्ते पर निकल गया, कोई बेचारा इंसान जिसको अछूत कहते थे, शूद्र कहते थे, अगर वो रास्ते पे से निकल गया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो सनातन धर्म आज से नहीं, पहले से ही ये बिल्कुल नाजुक धर्म है। छोटी छोटी बातों पर ये वो हो जाता है। क्या एक जो कुत्ता अगर कोई किसी दलित परिवार के घर में पल रहा है और पड़ोस के घर में कोई अपर कास्ट है उसमें चला गया तो उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे धर्म भ्रष्ट होता है। तो रंग तो बहुत बड़ी बात है कि ये रंग का धर्म भ्रष्ट होना या इससे नुकसान होना, धर्म खतरे में पड़ना, ये तमाम चीज़ें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जो सनातन, जो हिंदू धर्म है, वो भ्रष्ट होता रहा है हमेशा से। लेकिन क्या है कि ये जो आज की तारीख में इन्होंने जो ये इसका किया है, ये विरोध एक छोटी सी बात को लेकर के, वो इसलिए किया है कि जो संसद में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी पेंडिंग है और जो भारत सरकार को अभी सेशन जो चल रहा है, अभी पार्लियामेंट सेशन, उसमें जो जवाब देने हैं और इन्होंने जो 40 के करीब जो बिल रखे हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण बिल और साथ में तीसरा जो मजदूरों के चार जो इन्होंने आचार संहिताएँ बनाई हैं उनके लिए, लेबर कोड बनाए, तो वो जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बिल हैं उनके ऊपर जो चर्चा ना करवा के ये उनको ये अपने हिसाब से पास करवा लेना चाहते हैं। और जो अभी जैसे दानिश अली जी ने वहाँ पर उसके BSP के सांसद ने पूछा कि गुजरात में जो EVM से आपने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है उस पर अपना जवाब दो, क्योंकि 50-60 मशीनें भी पकड़ी गई हैं बाद में आग लगाते हुए, जो मशीनें वहाँ से चेंज की थी। और ये फिर चाइना का इशू आ गया, चाइना और भारत के जो वो लड़े आपस में, सैनिक लड़े, उसके ऊपर स्पष्टीकरण सरकार देने से बच रही है, उस पर ठीक से जवाब नहीं दे रही है, जबकि लगातार विपक्ष इस पर पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो पूरे तरीके से, ये भारत की सुरक्षा का मामला है और इसमें आपको अपना जवाब विस्तृत रूप से देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। अब ये कल कोरोना का भी एक आ गया कि वहाँ पे चाइना में कोरोना का बहुत बड़ा वो चल रहा है और गुजरात में उसका जो नया वेरिएंट आया है उसका एक वो भी मिला है, नया एक मरीज मिला है। तो अभी ये जो इतने सारे इश्यूज हैं और सबसे बड़ा इशू जो महंगाई का है, कल मैं एक दवाई ले रहा था दांत के दर्द की, जो मुझे 20 दिन पहले जो मिली थी 125 रुपये की, कल मुझे 146 रुपये की वो दवाई मिली है, उसने कहा जी 21 रुपये उस पत्ते पे, दवाई के उस पत्ते पे बढ़ गए। तो ये जो सवाल है महंगाई का, जो डे टू डे क्या सेकंडों में बढ़ रही है और जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, जो मर्जी जो जिसका मन में आ रहा है जितने मर्जी जनता से पैसे मांग रहा है, तो वो एक इशू है जिस पे जवाब देना है इनको, उस पे अपनी बात रखनी है। प्रश्न काल जो है, शून्य काल में जो सवाल पूछे जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा, और जो जवाब देना होता है मंत्रियों को, उससे बचने के लिए ये पूरा का पूरा वो इन्होंने खेल किया है कि सबकी नज़र उधर लग जाए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो बहुजन मूवमेंट चले पिछले बहुत वर्षों से, और उससे जो SC ST के लोग जो अभी अभी हिंदूवादियों के इनके षड्यंत्र में फंस नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे व्यापक रूप से कोई बड़ा, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, भगवा का रंग हो रहा है, इन्होंने कोशिश तो करी उसको उछालने की मगर वो हो नहीं पाया, क्योंकि अब ये कितने लोग हैं, कितने लोग जाएंगे या प्रकाश 15% के लोग, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेशों में, पढ़ रहे हैं हॉस्टलों में, पढ़ रहे हैं, ये तो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ी भेजते थे वहाँ पर लड़ने के लिए, वहाँ पर लड़ने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, धरनों के नाम पर, वो हमारे ही लोग होते थे SC ST के। मगर वो जब से 20-25 साल से जो बहुजन मूवमेंट चली है, जागरूकता अभियान चले, कैडर कैंप चले, उससे हमारे लोगों को भले ही इनके उसमें तो हो सकते हैं रहे होंगे उनके संगठन में, मगर अब वो इनकी गलत उसमें किसी प्रदर्शन में, धरने में, इस तरह में वो नहीं जा रहे हैं किसी भी तरीके से, इसीलिए इनके सारे ये मंसूबे फेल हो रहे हैं और अब इनको जवाब देना है संसद में और संसद से बच रहे हैं। इसलिए धर्म तो इनका तो बहुत नाजुक है, छुई मुई का पेड़ है कि
कि ये किसी आदमी के शकल देख लें, किसी अछूत के आते हुए किसी विधवा महिला की शकल देख लें तो एकदम से अपवित्र हो जाते हैं। 10 बार इनको नहाना है, इनके घर इनके मनुस्मृति में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इसीलिए इनका धर्म बहुत नाजुक है पहले से। अच्छा, दूसरा गाना भी आ गया सर, एक पद विवाद हो ही रहा था, इसे कैसे देख रहे, दूसरा गाना भी आ गया पठान मूवी का। अच्छा देखो, मैंने उस पर देखा नहीं, उस पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने उस पर कुछ देखा नहीं है। तो चार कानून की बात करते हैं, लेबर कोड है या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आपको लगता है कोरोना के बहाने जो है उसको पास कर लिया जाता है कि विरोधी ना हो? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो इनकी साजिश है, ये मौका देख रहे हैं किस किस तरीके से ये करें, जो कि विपक्ष के सांसद उससे बाहर रहें। देखो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम विपक्ष के सांसदों का भी है, जो बाहर खड़े होकर के मुस्लिमों को दलितों को गुमराह करते हैं कि जी हम आपकी पार्टी हैं, फलाना है, आपके साथ हैं, तो वहाँ पर जब ये सवाल होगा, क्योंकि सब एक हैं, ये सब आपस में एक हैं आप, क्योंकि जो बहुजन मूवमेंट की जो पार्टी थी, राजनीतिक दल BSP, आज वो उसका जो संख्या बल है वहाँ पर कम है, क्योंकि वो वहाँ पर लड़ती थी, वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, OBC के लिए वहाँ पर सवाल उठाती थी। खुद बहन जी जब सांसद रहती थी तो मैदान में जब इस तरह के सांसद आते थे, सेशन आते थे, उनकी स्पीच देख लीजिए, वो खुल करके बात उठाती थी। तो आज जो नेतृत्व है, तमाम वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी पार्टियों के, उन्हीं तीनों पार्टियों के वहाँ पर वजूद है, तो वो अब उनका भी परीक्षा है कि भाई आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप महिलाओं के इशू पर क्या बोलोगे, या आप जनसंख्या नियंत्रण बिल पर आप क्या बोलोगे, और क्या वहाँ पर ये पक्ष रखेंगे अपने, और जो सत्ता पक्ष है वो क्या करेगा उस पर, तो ये सवाल है। और मजदूरों का मेन सवाल है, क्योंकि उन्होंने पास कर लिए हैं वो चारों बिल, इन्होंने जो 25 कानून मजदूरों के खत्म किए थे, जो अंग्रेजी राज में लिए थे, अंग्रेजों से लड़के लिए थे, बताओ विदेशी सरकार ने उन मजदूरों के आंदोलनों को रिकॉग्नाइज किया, और उनको चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट हो, चाहे उनके लिए वो ट्रेड यूनियन एक्ट हो, चाहे वो कंपनसेशन वर्कमैन एम्प्लॉयज कंपनसेशन का मामला हो, और उसके बाद बाबा साहब ने जो 1948 में जो बनाया इस देश में मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मेन था, सबसे मेन, कि एक मजदूर को एक दुकान पर कितना पैसा कम से कम देना चाहिए कि जिससे उसका उसका बच्चे पल जाए, उसको किराए पे मकान ले ले, घर भी ले ले, आराम से उसका जीवन चल जाए, और जो सोशल सिक्योरिटीज थे जिसमें कि हेल्थ केयर था और प्रोविडेंट फंड था, भविष्य निधि, ये सब जितने भी थे, और ग्रेजुएटी बाद में रिटायर होने के बाद, तो ये सारे कानून 25 इन्होंने ख़त्म कर दिए। और मेन कानून जो ID एक्ट है, जिसमें कि उनको वहाँ पर कोर्ट जाने का कोई अगर मालिक निकाल दे नौकरी से, तो उनको अपनी नौकरी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना, आवेदन लगाना, जिससे कि वो नौकरियां मिल जाती थी, वापस में कंपनसेशन मिलता था, तो वो सब कानून खत्म करके इन्होंने चार कोड बना दिए, और उसको ये लागू करना चाहते हैं, ये जनवरी से लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए चार ट्रेड यूनियन हड़ताल भी कर चुके हैं, और उसके लिए आगे तैयारी चल रही है। मगर ये इसीलिए कि यहाँ पर कोरोना कभी ले आओ, कभी ये चाइना और हिंदुस्तान की फौज की लड़ाई करवा दो, कभी ये आप उसको करके ये भगवे का विरोध कर दो, किसी पिक्चर का विरोध कर दो, जिससे कि लोगों का माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, और ये चुपचाप पक्ष और विपक्ष के जो मनुवादी लोग हैं, ये मिल मिला करके अपने बिलों को उनको पास कर लें जो मनुवाद को शक्ति दे। सरकार की क्या मंशा है, जनता विरोधी बिल जो ला रही है ये सरकार, क्या मंशा है? देखिए, एक विचारधारा को थोपने की मंशा है, एक विचारधारा के लोग हैं जो मनुवाद है उसको थोपने की इनकी साजिश है, जिससे कि देखो जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में वहाँ की जो तालिबानी सरकार है उसने एकदम से सारी महिलाओं के, लड़कियों के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। कल आपने देखा होगा पूरा उनका वहाँ का ये डिक्टेटर वाला ये ऑर्डर आ गया कि कोई नहीं पढ़ेगा। इसी तरीके से जो ये कर रहे हैं, नया जो शिक्षा नीति बिल लेकर के आए हैं एजुकेशन पे, तो इन्होंने इनकी कैबिनेट ने पास कर दिया ना उस पर कि बोर्ड खत्म कर दिए। पता आपको, जो 10वीं 12वीं के बोर्ड आप भी पढ़े होंगे, तो जब बोर्ड आते थे तो 6 महीने पहले से हर बच्चा लग जाता था, भैया मुझे बोर्ड पास करना है, क्या पास होना है या फर्स्ट आना है या डिवीज़न लानी है, वो दिन रात पढ़ते थे। अब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड खत्म कर दिया, आप पास होते रहोगे भाई, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों को कंपटीशन से दूर करना है। जो SC ST माइनॉरिटी के लोग थे वो कंपटीशन ना करें मैनेजर की पोस्ट के लिए, डॉक्टर के लिए, वो इंजीनियर ना बने, वो सेनाओं में सेना नायक ना बने, वो लेफ्टिनेंट ना बने, वो जहाज ना उड़ाएं, वो सब एक तरह का रिजर्व हो जाए इनके लिए, क्योंकि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो वो तो पढ़ करके वो बन जाएंगे, वही आराम से अंग्रेजी बोलते हुए और कंप्यूटर चलाते हुए बन जाएंगे जो उनको बनना है। तो हमारे बच्चे जो जिनको बोर्ड में, जो जिनको कहीं विदेश नहीं जा सकते, यहाँ तक अपना राज्य छोड़ के नहीं जा सकते, तो उनको जो पढ़ करके जब वो इंजीनियरिंग गणित पढ़ते थे, जब साइंस पढ़ते थे, जब वो विज्ञान पढ़ते थे, तो कंपटीशन में आते थे। और जो रिजर्वेशन था इन्होंने प्राइवेट सेक्टर करके सब निजी करके उसको ख़त्म कर रहे हैं ताबड़तोड़, तो किसी की भागीदारी ये देना नहीं चाहते। और ये मेजोरिटी लोगों को जो मनुवाद में था,
जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को छोड़ करके जो 85% जो माननीय कासीराम जी ने कहा, जो शूद्र और दूसरे माइनॉरिटीज और जो अछूत, वो सब मिला करके जो 85% मेहनत कश आवाम था इस देश का, मेहनत कश आवाम, उसको ये पूरे एजुकेशन से ख़त्म करके, उनके उनको फाइनेंशियली उनको कमज़ोर करके, सामाजिक रूप से उनको कमज़ोर करके, ये अपने चंद लोग 15% लोग राज करना चाहते हैं हर वक्त। तो आपको लग रहा है कि एजुकेशन को जो है वो बहुजन से दूर करने के लिए एक तरीके से साजिश रची जा रही है? ये सिर्फ बहुजन ही नहीं, ये जो इस देश के मेहनत का से आवाम है ना, जिसमें ये अपर कास्ट भी है। एक बात याद रखो कि जब जिस समय आपने सुदामा और कृष्ण की कहानी सुनी है ना, तो जो सुदामा ब्राह्मण है वो उन ब्राह्मणों में से है कि जो गरीब छोड़ दिया था, और जो बहुत सारे ब्राह्मण थे जो राज्यों के राजाओं के कुल पुरोहित होते थे, जो बिल्कुल राजाओं के होते माल खाते थे, उसमें भी ज़्यादा उसमें भी आर्थिक रूप से छुआछूत है, और ब्राह्मणों में भी अपना भयंकर रूप से उसमें भी ऊँचे बड़े का जातियों का भेद है। तो ऐसा नहीं है, देखो ये समझना पड़ेगा, इन्होंने जो 10% EWS दिया है, तो जो अपर कास्ट इनकी नीतियों के कारण जो कमज़ोर गरीब हो गया, उनको इन्होंने थामने की कोशिश की है, मगर उनको भी पता चल गया भाई जब सरकारी सेक्टर ही नहीं बचेगा, आप रेल बेच दोगे, आप एयर इंडिया बेच दोगे, आप बैंक बेच दोगे, तो भैया 10% हमें नौकरी मिलेगी कहाँ? तो ये उनको भी पता चल गया है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं इनको। सिर्फ देखो 10% लोगों को इस देश का अर्थ तंत्र सत्ता सब देनी है, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो ले लिया, लेकिन विकास किनका हुआ? 4 पूंजीपतियों का, जो दुनिया के टॉप मालदार सूची में आ गए, ये पता है ना आपको, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, टाटा को जो उसके उससे इस देश की भारत सरकार ने जो एयर इंडिया बनाया था, इंडियन एयरलाइंस को जो सरकार में लाए थे, वो टाटा एयरलाइंस थी पहले, तो उससे छीन करके जब इसको बनाया, देश के तमाम लोगों को उसको बेनिफिट हुआ, उसमें हर धर्म के हर जाति के हर क्षेत्र के लोग जब नौकरियों पे आए, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी, तो अब इन्होंने आकर के इनको बुरा लगा। इन्होंने आते ही यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया कि टाटा एयरलाइंस उसके अपने उसके जो बेटे को पोते को सौंप दी टाटा को, लो पकड़ो भाई अपनी एयरलाइंस। तो ये सब बेच रहे हैं, तो इसका इसको उन तमाम लोगों को 90, मैं तो कह रहा हूँ 85 से बढ़ गए 90, जो जनरल जो जो वीकर सेक्शंस हो गए हैं आर्थिक रूप से, उनको भी आकर के जुट के काम करना चाहिए, क्योंकि ये सबके विरुद्ध हैं, और 10% लोगों के हाथ में इस देश की धन संपत्ति सत्ता संसाधन सब उनको दे देंगे, और बाकी सब इनके गुलाम इनके नौकर रहेंगे।